अमेरिकी मुख्यालय वाले टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी उबर की आर्थिक हालात अच्छी नहीं चल रही है। इन दिनों अमेरिका में कंपनी का घाटा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से उसने अपने प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम के 435 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। दो महीने में अमेरिका में कंपनी ने दूसरी बार छटनी की है। इससे पहले जुलाई में भी कंपनी ने अपनी मार्केटिंग टीम से 400 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था। गौरतलब है कि भारत में भी उबर का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक बयान में कहा था कि देश में ओला उबर जैसी एग्रीगेटर टैक्सी सेवाओं की वजह से कारें बिक नहीं पा रही हैं। निर्मला सीतारमन ने तो यहां तक भी कहा था कि ऑटो सेक्टर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री BS6 स्टैंडर्ड और मिलेनियर्स के माइंडसेट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बार की छटनी में उबर के अमेरिकी दफ्तरों से करीब 8% कर्मचारी बाहर हो गए हैं। 170 लोग प्रोडक्ट टीम से और 265 लोगों को इंजीनियरिंग टीम से बाहर निकाल दिया गया है। कंपनी ने एक बयान में इसकी पुष्टि भी कर दी है। उबर को इस साल मई में ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है। हालांकि इसके IPO को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इसके बावजूद ये अमेरिका के पिछले 5 साल के इतिहास का सबसे बड़ा IPO था और इससे कंपनी ने $8.1 अरब की रकम जुटाई थी। जून तिमाही में कंपनी को एक तिमाही का सबसे बड़ा झटका लगा था, यानी तकरीबन $5.2 अरब का। भारत की बात करें तो बीते जून महीने में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ओला और उबर की ग्रोथ रेट सुस्त पड़ गई। तब रिपोर्ट में बताया गया था कि 6 महीने के दौरान ओला और उबर के डेली राइड्स में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी हुई है। पहले डेली राइड्स 35 लाख थी जो अब करीब 36.5 लाख पर, यानी उबर देश में और विदेश में कारोबार ठीक से नहीं कर पा रही।